और अब बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के बादशाहपुर वैगो में तैनात लेखपाल विनोद कुमार गौतम के साथ हुई मारपीट की आरोपियों की गिरफ्तारी व आरोपियों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को अविलंब गिराने की मांगों को लेकर तहसील मुख्यालय पर धरना पर लेखपाल संघ के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए हैं, जो धरना प्रदर्शन कई दिनों तक चला। इसके बाद एडीएम प्रशासन के आश्वासन पर लेखपालों ने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया था, जिसके क्रम में पुलिस प्रशासन ने आरोपियों के गांव बादशाहपुर वर्गो में अवैध रूप से की गई सरकारी जमीन पर कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। बताते चले कि ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण की शिकायत वहां के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा की गई थी, जिसकी जांच क्षेत्रीय लेखपाल विनोद गौतम मौके पर रिपीट जिसकी जांच क्षेत्रीय लेखपाल विनोद गौतम मौके पर करने गए थे, तभी आरोपियों ने लेखपाल के साथ मारपीट कर दी थी, जो अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने अपनी मौजूदगी में ध्वस्त करवा दिया है। विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।